एक समय की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह अपने आप को बहुत चालाक समझती थी। एक दिन खाने की तलाश में वह इधर उधर भटक रही थी, पर उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। भटकते हुए वह एक पेड़ के पास पहुंची, जिसमें अंगूर के गुच्छे लगे हुए थे। अंगूर को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वाओ, कितने अच्छे अंगूर हैं! इनको तो मैं खा के ही रहूंगी। मुझे तो लालच आ रही है अंगूरों को देखकर। इनको मैं जरूर खाऊंगी। और उसने अंगूर खाने के लिए अंगूरों की तरफ छलांग लगा दी। लेकिन अंगूर ऊंचाई पर होने से लोमड़ी अंगूर तक नहीं पहुंच पाई। मैं तो पा ही नहीं रही हूँ। थोड़ा और छलांग लगाती हूँ और ऊंचा कूदती हूँ। अब लोमड़ी अंगूर को पाने के लिए बार बार उछल कूद करने लगी, लेकिन हर बार वह पहले से ऊंचा छलांग मारने के प्रयास पर भी असफल रही। लोमड़ी ने कहा, ये तो मैं पा ही नहीं रही हूँ। कितना ऊंचा कूदूं, मैं तो थक जा रही हूँ। चलो थोड़ा सा और ऊंचा कूदती हूँ। लोमड़ी फिर से प्रयास करने लगी और ऊंचा कूदने लगी, किंतु इतने प्रयास के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। इतने उछल कूद करने से लोमड़ी थक गई। लोमड़ी ने कहा, मैं इसे नहीं पाऊंगी। अब अपनी हार छुपाने के लिए लोमड़ी ने कहा, अंगूर खट्टे हैं, बिल्कुल बेकार हैं। इतना कहकर लोमड़ी वहां से चली गई। तो देखा बच्चों आपने, लोमड़ी और अंगूर की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी नाकामयाबी को दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए। हमारी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।